नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। भाजपा के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय कुमार ने विवादित टिप्पणी की है। जी हां, आदिवासी समाज से आने वाली मुर्मू को भाजपा जहां आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में दिखा रही है, तो वहीं कांग्रेस नेता उन्हें आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधि न मानकर दुष्टों की विचारधारा की प्रतिनिधि मान रहे हैं। ये कांग्रेस नेता यशवंत सिन्हा को बेहतर उम्मीदवार मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुर्मू दुष्ट विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब कांग्रेस नेता का ये विवादित बयान वायरल हो रहा है, चारों तरफ इस बयान की आलोचना हो रही है, तो वहीं भाजपा भी हमलावर है। और इसी मुद्दे को लेकर हमसे बात की है भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने। उन्होंने सीधे तौर पर इस बयान को पूरे आदिवासी समाज और SC समाज का अपमान बता दिया है। सुनिए इस मुद्दे पर क्या कहा है भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, परंतु ये कांग्रेस की विकृत मानसिकता को दर्शाता है कि एक व्यक्ति जिन्होंने जिंदगी भर संघर्ष किया अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और सामाजिक जो उनके वातावरण थे उससे भी, और फिर संघर्ष करते हुए ग्रासरूट से उठकर आज वो झारखंड की पहली महिला आदिवासी गवर्नर बनी और आज वो पहली महिला ट्राइबल प्रेसिडेंट बनेंगी इस देश की, उनको पूरे देश से समर्थन मिल रहा है, तो उनको अजय कुमार और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो दुष्ट मानसिकता, वो दुष्ट फिलॉसफी की एक परिचायक है। मतलब कि ये केवल द्रौपदी मुर्मू जी का ही नहीं बल्कि ये पूरे आदिवासी समाज का, और मैं तो कहूँगा कि आदिवासी समाज के साथ साथ ये तो पूरे शेड्यूल कास्ट और OBC वर्ग का भी अपमान है। क्योंकि बार बार कांग्रेस पार्टी ने, चाहे अंबेडकर जी का अपमान करना हो, उनको चुनाव हराना हो, अंबेडकर जी को भारत रत्न से वंचित रखना हो कई वर्षों तक उनकी मृत्यु के बाद, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट को अपने अधिकारों से वंचित रखना हो, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा जैसे जो हमारे योद्धा थे स्वतंत्रता के, उनको अपनी जगह इतिहास में न देना हो, जब तक कि प्रधानमंत्री ने आज़ादी के अमृत महोत्सव और अमृत काल के जो सेलिब्रेशन है उसमें उसको शामिल करवाया और उसमें उनका योगदान जो है उसको परिचायक दिया, तो ये इस प्रकार की मानसिकता कांग्रेस बार बार दिखाती है, ये उनकी आदिवासी विरोधी मानसिकता है। तो सुना आपने भाजपा प्रवक्ता को, अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस के झारखंड के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार को, सुनिए। ओके, सो माय थिंग इज वेरी सिंपल, इट्स नॉट अबाउट द्रौपदी मुर्मू, इट्स नॉट इंडिविजुअल एट ऑल, इट्स नॉट कंपेयरिंग टू कैंडिडेट्स। यशवंत सिन्हा जी इज ऑल्सो वेरी गुड कैंडिडेट, द्रौपदी मुर्मू जी इज ऑल्सो अ डिसेंट पर्सन, बट शी रिप्रेजेंट्स अ वेरी इवल फिलोसफी ऑफ इंडिया। So we should not mistake Draupadi, we should not make Draupadi Murmu ji as a symbol of Adivasi. You had Mr. Kovind, the present president. You tell me Mr. Kovind was the president and Hathras has happened. Has he said a word? Continuous atrocities on scheduled castes is happening all over India. The condition of scheduled castes has become worse. So creating symbols and then, you know, fooling the people of India is what the Modi government is about. So this is a fight for the soul of the nation and all like-minded parties should vote for Mr. Yashwant Sinha. आपने कांग्रेस नेता को सुना जो ये बोल रहे हैं कि आदिवासी समाज से आने वाली महिला आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, बल्कि वो भारत की दुष्ट फिलॉसफी यानी कि दुष्ट विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब इसी वजह से चारों तरफ इन कांग्रेस नेता की आलोचना हो रही है। इनकी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने भी मुर्मू को समर्थन दे दिया है, लेकिन ये नेता इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। अजय कुमार के इस बयान के बाद कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आदिवासी समाज में इस बयान को लेकर आक्रोश है। वहीं भाजपा भी अब इस मुद्दे को खूब हवा दे रही है। बहरहाल, इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।